हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेनरी वॉगन के बारे में। हेनरी वॉगन का लाइफ स्पैन रहा है 1621 टू 1695, और ये एक मेटाफिज़िकल पोइट रहे हैं और एक ऑथर भी रहे हैं। और अगर इनकी स्टडीज़ की बात की जाए तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी कर रखी थी, मेडिसिन की पढ़ाई भी कर रखी थी। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज स्लैंट राइम और हाफ राइम इन देयर पोइट्रीज। सो स्लैंट राइम और हाफ राइम क्या है? कंप्लीट राइम्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि हैट एंड बैट, ये एक कंप्लीट राइम है। आपको अलग ही दिख रहा होगा, एक कम्प्लीटली तुक बन रही है इन दोनों की, जिसमें जो तुकबंदी वर्ड्स होते हैं वही कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इसमें आपको अलग ही बोलने से ही समझ में आ जाएगा, हैट बैट, इसका मतलब ये एक कंप्लीट राइम है, कंप्लीट राइम। बट अगर हम बात करें एक दूसरे एग्जांपल की, जैसे कि ब्रिज एंड ग्रज, तो ब्रिज और ग्रज में आप देखेंगे जो ये लास्ट में जा वाला साउंड है ये तो मैच कर रहा है, पर यहाँ पे ई और यहाँ आ, मतलब कि आई एंड यू, इसे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही अलग साउंड कर रहा है, मतलब कि ये एक स्लैंट राइम और हाफ राइम है। और इनकी अगर फर्स्ट वर्क की बात की जाए तो इनका फर्स्ट वर्क है टेंथ सटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश। ये एक बहुत ही फेमस इनका सटायर है, जैसे कि नाम में ही दिख रहा है टेंथ सटायर, तो समझ गए होंगे एक सटायर है। 1646 में पब्लिश हुआ था ये सटायर, और ये एक उनका बहुत ही फेमस वर्क है ये। एंड एक दूसरा वर्क है इनका सिलेक्ट सिंटिया, वो भी बहुत ही फेमस वर्क है। तो ये इनका जो सेकंड वर्क है वो है सिलेक्ट सिंटिलेंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस वर्क है, जो कि 1650 में पब्लिश हुआ था, और यही रिप्रिंट हुआ था 1655 में दोबारा से। एंड जो रिप्रिंट हुआ था जो वर्क इनका, इसमें प्रिफेस दिया गया था जॉर्ज हर्बर्ट के लिए, और सिलेक्ट सिंटिलेंस उन्होंने तब लिखा था जब इनका जो इनके जो भाई हैं विलियम्स, उनकी डेथ हो गई थी 1648 में। तो इनके डेथ के बाद उन्होंने अपने इस वर्क में अपना और अपने भाई का स्पिरिचुअल कनेक्शन बताया था। और रिप्रिंट के बाद जो जिसमें प्रेफेस दिया गया था जॉर्ज हर्बर्ट का, उसमें उन्होंने जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में कहा था, द ब्लेस्ड मैन जॉर्ज हर्बर्ट हुज होली लाइफ एंड वर्स गेन मैनी पियर्स कन्वर्ट ऑफ होम आई एम फ्यू। द ब्लेस्ड मैन जॉर्ज हर्बर्ट हुज होली लाइफ एंड वर्स गेन्ड मैनी पियर्स कन्वर्ट ऑफ होम आई एम फ्यू। तो ये जो इनका लाइन है ये हमें याद रखनी है, जो उन्होंने जॉर्ज हर्बर्ट के लिए कही थी हेनरी वॉगन ने अपने वर्क में। और हाँ, सिलेक्ट सिंटिलेंस का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट सिंटिलेंस का मतलब होता है द फियरी फ्लिंट, द फियरी फ्लिंट। तो द फियरी फ्लिंट को हिंदी में क्या कहते हैं? शायद आप लोगों को पता भी होगा, उग्र स्वभाव। तो सिलेक्ट सेंटिलेंस का मतलब है उग्र स्वभाव, मतलब फियरी फ्लिंट। और अगर इनके दूसरे वर्क की बात की जाए, द मैच द वर्ल्ड, तो द मैच जो इनका वर्क है वो अगेन जॉर्ज हर्बर्ट से ही कनेक्टेड रहा है, इसमें जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। और जो द वर्ल्ड है जो कि 1650 में पब्लिश हुआ था, इसमें जॉर्ज हर्बर्ट ने
सबको रिलीजियस होने की बात कही है, रिलीजन की ओर जाने की बात कही है, सारे जैसे कहते हैं ना मोह माया त्याग कर भगवान के चरणों में, तो बस वही है इसमें सारा कुछ, पूरा भक्ति पे डेडिकेटेड है ये द वर्ल्ड, इसमें द पूरे वर्ल्ड को समझाते हुए हेनरी ओगन बात करते हैं। एंड अगला जिनका वर्क है वो है ओलर स्कैनस, जो 1651 में पब्लिश हुआ था। ओलर स्कैनस को ही द स्वान ऑफ अस्क कहा जाता है। अस्क की स्पेलिंग आपको कहीं कहीं पे ISCA भी देखने को मिलेगी, तो दोनों स्पेलिंग ही सही हैं और इनका बस प्रोनाउंसिएशन एक है, अलग अलग स्पेलिंग्स हैं बट प्रोनाउंसिएशन एक ही है अस्क। तो अस्क क्या है? अस्क एक रिवर है जो कि हेनरी ओगन जहाँ रहते थे उनके होम टाउन के पास से ही गुजरती थी, अस्क रिवर, तो उस पे उन्होंने ये सारा वर्क लिखा था अपनी रिवर के लिए। एंड अगला जो इनका वर्क है वो है द सॉलिटरी डिवोशन और द माउंटेन ऑफ ऑलिवर्स, जो कि 1652 में पब्लिश हुआ था और ये एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। द सॉलिटरी डिवोशन को ही द माउंटेन ऑफ ऑलिवर्स कहते हैं और इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेयर्स दी गई हैं फॉर डिफरेंट डेज इन चर्च। चर्च में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग प्रेयर्स दी गई हैं, तो ये सारा प्रेयर्स का कलेक्शन जो है वो द माउंटेन ऑफ ऑलिवर्स में मिलता है और द सॉलिटरी डिवोशन दोनों एक ही हैं। एंड अगला जो इनका वर्क है वो है द फ्लावर ऑफ सॉलिट्यूड। तो फ्लावर ऑफ सॉलिट्यूड इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, इंग्लिश नेम है। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है फ्लॉर्स सॉलिट्यूडिनीस, फ्लॉर्स सॉलिट्यूडिनीस ये इसका ओरिजिनल नेम है, जो कि 1654 में पब्लिश हुआ था। और अगर इनके अगले वर्क की बात करें वो है द केमिस्ट की, तो इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें केमिस्ट से संबंध सब कुछ दिया गया है, जो कि 1657 में पब्लिश हुआ था। बट इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है केमिस्ट की स्पेलिंग, केमिस्ट की ये सही स्पेलिंग नहीं है, सही स्पेलिंग ये है, बट इन्होंने अपने वर्क में यही स्पेलिंग यूज़ की है CHYMIST। और अगर इनके अगले वर्क की बात करें तो वो है थिलाया रेडिविविया, इसे थिलाया पढ़ते हैं, तो थिलाया ही इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन थिलाया रेडिविविया ही है। और यहाँ पर जो रेडिविविया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिवॉर्न, तो पूरा सारा पुनर्जन्म वगैरह पे है ये। और इसी के बाद उन्होंने कुछ और जो एक वर्क लिखा था वो है द रिजनरेशन, रिजनरेशन का मतलब भी वही है बीइंग बॉर्न अगेन। तो जो ये है थिलाया रेडिविविया, तो इसमें बहुत सी आपको पोइट्रीज मिलेंगी, तो इसमें उन्होंने अपने ब्रदर की भी पोइट्रीज रखी हैं। तो ये उनका इकलौता ऐसा वर्क है जिसमें उनके अलावा किसी और का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो, जैसे कि उन्होंने इसमें ब्रदर की अपनी पोएम्स रखी हैं तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और साथ ही साथ उनकी फ्रेंड पोवेल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें थिलाया रेडिविविया में। अगला जो इनका वर्क है वो है द रिट्रीट। तो द रिट्रीट पूरे नेचर के ऊपर लिखा गया है, अबाउट नेचर सारा कुछ, नेचर नदी पेड़ पौधे यही सब उसमें दिया गया है। और द रिट्रीट को कहा जाता है कॉपी ऑफ ऑड ऑन इमिटेशन ऑफ इमोरैलिटी, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ऑड ऑन द इमिटेशन ऑफ इमोरैलिटी, तो इसी की कॉपी कही जाती है द रिट्रीट। तो हमें ये बात भी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि द रिट्रीट को किस वर्क की कॉपी कही जाती है और वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जिसे ओड ऑन द इमिटेशन ऑफ इमोरैलिटी कहते हैं। एंड अगला जो इनका वर्क है वो है अपॉन द प्रायरी ग्रोव हिज यूजुअल रिटायरमेंट। तो इसमें क्या है? ये एक
लव पर वेस्ट पोइट्री है इनकी, जिसमें पॉजिटिव वे ऑफ लव दिखाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसकी अब्रप्ट ओपनिंग है, जो कि एक मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में से एक ही है, अब्रप्ट ओपनिंग वाला पॉइंट। और मेटाफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है आपको, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, बट उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है अब्रप्ट ओपनिंग। तो इसकी अब्रप्ट ओपनिंग हुई है, इसकी ओपनिंग कैसी है, आश्चर्य कर देने वाली, जैसे कि हेल, सैक्रेड, सेट्स, कूल, लीफी हाउस। तो ये इसकी ओपनिंग है, बिल्कुल अब्रप्ट है, मतलब आश्चर्य कर देने वाली। तो यही होती है अब्रप्ट ओपनिंग, हेल सेक्रेड सेट्स कूल लीफी हाउस। तो आपको इसकी ओपनिंग से बट ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये लव पे नहीं है, बट हाँ एक लव पोएट्री ही है, इसे आप चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है उनकी ये, अपॉन द प्रायरी ग्रोव हिज यूजुअल रिटायरमेंट। अगर आपको इसे याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इतना मत याद रखिए, अपॉन द प्रायरी ग्रोव, और ये अपने आप ही उसमें आ जाता है, अगर आप इसे एक बार पढ़ बस लेंगे पोइट्री को तो अपने आप आ जाएगा द हिज यूजुअल रिटायरमेंट। तो उनके मैंने 10 से भी ज़्यादा इसमें वर्क बताए हैं, उनके और भी कुछ वर्क्स हैं, बट इस में मैंने सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स ही बताए हैं जो बहुत ही फेमस रहे हैं। तो इतना ही है हेनरी वॉगन के बारे में, अगली वीडियो में हम और भी मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बात करेंगे, एपिक पोइट्री के बारे में बात करेंगे। और पिछली वीडियोस में मैंने मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बताया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक बिट एंड काफ़ी कुछ बताया है, सारा मेटाफिजिकल पे एक